Hey, what's up guys, this is Karan and in this video I am going to unbox Impax 333 tripod. So without wasting any more time, let's get started. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं किस प्रकार आपको इसकी पैकिंग मिलती है। कुछ इस प्रकार आपको पैकिंग मिलती है इसकी, तो देखिए, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार Impax 333 ट्राइपॉड की पैकिंग मिलती है। कुछ इस प्रकार से आपको पैकिंग मिलती है, इस प्रकार इसके अंदर बॉक्स आपको मिलेगा। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका बॉक्स आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है Impax फोटो एंड वीडियो, यहाँ पे Impax 333 ट्राइपॉड। तो कुछ बॉक्स का लुक इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है। ऐसे इसको करेंगे ओपन, तो देखिए कुछ इस प्रकार अंदर आपको एक बैग मिलता है जिसके अंदर ट्राइपॉड मिलेगा आपको। तो देखिए दोस्तों बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है, तो बॉक्स को रखते हैं एक बार साइड में। तो आपको इस प्रकार इसके अंदर ट्राइपॉड मिलता है, ये आपको कैरी बैग मिलता है, इसके साथ आप इसे कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार अंदर ट्राइपॉड होता है। तो यहाँ पे आपको एक बटन दिया हुआ है, इसको आप प्रेस करके नीचे करेंगे, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो आप कितना भी इसको नीचे कर सकते हैं। ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि आपको अंदर मेन ट्राइपॉड मिलेगा। तो देखिए दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार बैग के अंदर और कुछ नहीं है बैग के अंदर। तो बैग की क्वालिटी तो ठीक ठाक सी है, ज़्यादा अच्छी नहीं है ये। और देखिए आप, आपको ट्राइपॉड इस प्रकार मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ट्राइपॉड की बिल्ड क्वालिटी को। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार आपको ट्राइपॉड मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगी Impax 333 की ब्रांडिंग। तो और ये आपको यहाँ लैग मिलेंगी, आप इसे ऐसे ओपन करके और यहाँ से निकाल ले सकते हैं। आपको ये फर्स्ट है और यहाँ ये सेकंड है, आपको इसकी दो बार इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, काफ़ी लंबा चला जाता है ये। तो आपको मैं इसके फुल रिव्यू बाद में इसको बड़ा करके पूरा फुल हाइट दिखाऊंगा इसकी। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी ठीक है, इतनी बुरी क्वालिटी नहीं है। आप तो चलिए आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के ट्राइपॉड मिलता है। तो आप इसे ऐसे खड़ा कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों ये इस ट्राइपॉड की मिनिमम लेंथ। तो इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देखिए, सॉरी फोकस के लिए, तो यहाँ पे आपको एक बबल मिलेगा जिससे आप देख सकते हैं कि आपका कैमरा बिल्कुल सही हॉरिजॉन्टल पे है नहीं है या नहीं। और आप इसे यहाँ सेट करके आपकी फ़ोटो का मतलब जो
होता है अभी आप हॉरिजॉन्टली फोटो बिल्कुल सही है या बिल्कुल नहीं, और यहाँ से आपको इसे निकाल कर आप इस पीछे से तो आप इसे किसी भी अपने कैमरा या मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच कर सकते हैं। तो उसके बाद अटैच करने के बाद इसे यहाँ ऐसे और इसको ऐसे करके इसमें लगा सकते हैं। लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है, इसे आप ऐसे घुमाकर इसे ऊपर नीचे ऐसे पैन शॉट ले सकते हैं। तो इसे आप और इसके बाद यहाँ दोस्तों आपको मिलेगा एक हैंडल जिसे घुमाकर आप इसकी लाइफ लेंथ और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लेंथ इसकी और एक्सटेंड हो जाएगी, तो आप इसे घुमा सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं नॉर्मल हाइट से ये कितना, जितनी आपको इसकी पाइप की हाइट मिलेगी आप उतना ही इसे ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखिए तो आप इसके बाद यहाँ पे आपको एक और ये मिलेगा, आपको इसे घुमाकर आप ऐसे, अगर आपको कैमरा है या फ़ोन है आप उसे ऐसे भी मतलब घुमा सकते हैं, तो आपको वीडियो में इससे अच्छी लुक मिलेगी। उसके बाद आपको इसे जहाँ आपको रखना है उसे करिए, उसके बाद इसे पूरा कस दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और मिलेगा जिससे आप इसे 360 डिग्री पे भी रोटेट कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो आपको इतना स्मूथ तो नहीं मिलेगा, ताकि जो कि हाई एंड एक्सपेंसिव जो ट्राईपोड देते हैं स्मूथ, मतलब इतना स्मूथ तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कुछ हद तक स्मूथनेस मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं, तो इसे भी करेंगे क्लोज, और ये तो आपने देख ही लिया होगा ऊपर नीचे करने के लिए। तो ये बबल वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि आपकी वीडियो को आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो या फोटोग्राफी मतलब बिल्कुल स्टिल है, सीधी है या नहीं। अब बबल को बीच में करेंगे बिल्कुल यहाँ है, या तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल सीधा आपका फोटो आएगा, बिल्कुल सीधी आपकी वीडियो आएगी। उसके बाद आप तो ये था आपका छोटा सा अनबॉक्सिंग, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आप बिगनर्स हैं और आपके पास अभी कोई ट्राईपॉड नहीं था, तो आप कोई ट्राईपॉड लेना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं सिंपैक्स 333 ट्राईपॉड की तरफ। ये एक बजट सेगमेंट का बहुत अच्छा बिगनर्स के लिए। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो इसकी लेग्स हैं वो एल्युमिनियम के हैं। उसके बाद जो यहाँ पे जो ये लेग्स लगे हुए हैं, ये वाली पट्टी लगी हुई है ना, ये भी मेटल की है, ये भी एल्युमिनियम की है, आप देख सकते हैं। और ज़्यादातर जो सस्ते ट्राईपॉड होते हैं उसमें ये आती है, जो कि प्लास्टिक की बनी होती है, और प्लास्टिक की बनने के कारण यहाँ से टूट जाती है ये। तो इसकी जो ये एल्युमिनियम की बनी हुई है, ये बहुत बहुत अच्छी मुझे बात लगी। और उसके बाद तो ये तो आपको पता ही है, लगभग सभी ट्राईपॉड में एल्युमिनियम की मिल जाती है, और जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक सी है, इतनी ज़्यादा बेस्ट है नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा ट्राईपॉड हो सकता है। तो मैं आपको, अगर आप बिगनर्स हैं और आप यूट्यूब के लिए या कोई फोटोग्राफी के लिए आप एक ट्राईपॉड लेना चाहते हैं, वो भी मतलब सस्ते बजट में, आपको 1000 से कम में बजट में ट्राईपॉड लेना है, तो आप इसके ये ले सकते हैं। ये ट्राईपॉड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।